हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीपेट एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जेके का कुछ क्लास किया है, तो जितने भी स्टूडेंट पुराने क्लास अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर साइंस का क्लास लगाइए, तो आज से हम लोग फिजिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे बाकी चैप्टर भी हम लोग कम्प्लीट करेंगे। एंड सबसे ज़रूरी बात, अभी तक जितने भी स्टूडेंट फॉर्म कंप्लीट नहीं किए हैं वो जल्दी से अपना फॉर्म कंप्लीट कर दें, क्योंकि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 31 मई है एंड आज 17 मई हो गया है, तो आप लोग जल्दी से अपना फॉर्म कंप्लीट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, निम्नलिखित में से कौन माप की मौलिक इकाई है, मौलिक इकाई या फिर मौलिक मात्रक या फिर मूल मात्रक। मूल मात्रक को समझने के लिए आपको मूल राशियों के बारे में पढ़ना होगा। तो टोटल मूल राशियां 7 होती हैं और मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं। क्वेश्चन में ये भी आता है कि मूल राशियाँ कितनी हैं, तो 7 मूल राशियाँ होती है। पहला मूल राशि है लेंथ, हिंदी में इसको लंबाई बोलेंगे, एंड लेंथ का जो मात्रक होता है मीटर होता है। तो इस प्रकार से जो लेंथ का मूल मात्रक है वो है मीटर, या फिर फंडामेंटल यूनिट क्या है, मीटर है। इसका सिंबल एम होता है। एंड दूसरा जो मूल राशि है मास है, यानी कि द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तीसरा मूल राशि है टाइम है, यानी कि समय, समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकेंड। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर है टेम्परेचर, यानी कि तापमान का जो मूल मात्रक है केल्विन होता है। एंड उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका जो मूल मात्रक होता है कैंडिला होता है। एंड लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसका जो मूल मात्रक होता है मोल होता है। एंड इसका एक सिंबल है, आप लोग देख लीजिएगा। तो टोटल 7 मूल राशियां होती हैं और मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन माप की मौलिक इकाई है, मूल मात्रक कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है किलोग्राम, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है जूल एंड चौथा हर्ट्ज। तो इन चारों में से आप देख सकते हैं इनमें कौन मैच कर रहा है। तो किलोग्राम आप देख सकते हैं मूल मात्रक में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं दिया है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2997924458। जब इसको कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो 2.9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 × एंड यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर ऐसे मिलेगा आपको, बहुत कम ही एग्जाम में इस टाइप से आंसर पूछा जाता है, आपको हमेशा कोटिमान के रूप में आंसर मिलेगा। तो प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है या फिर एसआई इकाई क्या है। पहला ऑप्शन दिया है वोल्ट, दूसरा एम्पियर, तीसरा ओम एंड चौथा कूलम। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान की एसआई इकाई क्या है या फिर एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया सेल्सियस, बी है केल्विन, सी है फारेनहाइट एंड डी है रैंकाइन। तो तापमान का जो एसआई यूनिट होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है मोल, दूसरा है ग्राम, तीसरा लीटर एंड चौथा है कैंडेला। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो पदार्थ की मात्रा है उसका मात्रक मोल होता है। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेस इंटेंसिटी इज, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मूल राशियों से ही बने हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसको। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है लक्स, दूसरा है कैंडिला, तीसरा वाट एंड चौथा है जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कैंडिला। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है या फिर एसआई इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट एंड चौथा है ओम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो विद्युत आवेश होता है उसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है। क्यू बराबर आई टी इसका फार्मूला होता है। आई क्या है? एम्पियर है। टी क्या है? समय है। आई धारा है एंड टी समय है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मूल राशियां एंड मूल मात्रक। मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां होती है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है? पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है न्यूटन एंड चौथा है मीटर। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, मूल मात्रक है। सेकेंड समय का मूल मात्रक है एंड मीटर लंबाई का मूल मात्रक है। अभी बचा न्यूटन। न्यूटन क्या है? ए डिराइव्ड यूनिट है, ए बल का मात्रक है। तो एफ बराबर एम ए होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ इक्वल टू एम ए। एम क्या है? किलोग्राम होता है एंड ए क्या है? त्वरण है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख सकते हैं जो न्यूटन है इसी को हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं। जो न्यूटन है ये मूल मात्रकों से मिलकर बना है, किलोग्राम मीटर और सेकेंड, ये सभी मूल मात्रक हैं, इनसे मिलकर न्यूटन बना है। इसके लिए हम लोग इसे व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली, कमरे के तापमान पर हवा में ध्वनि की गति लगभग होती है। हवा में ध्वनि की जो स्पीड होती है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 343 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशियां एंड सदिश राशियां, जैसे कि आप लोगों को पता है अदिश राशियों को दर्शाने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। एंड सदिश राशियों को दर्शाने के लिए हमें परिमाण एंड डायरेक्शन दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अदिश राशि। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, किस दिशा में जाना है और कितने स्पीड से जाना है, स्पीड एंड दिशा दोनों हमें बताना पड़ रहा है, यानी कि सदिश राशि है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है स्पीड एंड चौथा एक्सेलरेशन। स्पीड में भी किस दिशा में जाना है और कितने स्पीड से जाना है, दिशा और स्पीड दोनों बताना पड़ेगा। एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन एंड एक्सेलरेट किस वेग से हो रहा है वो बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन,
विस्थापन में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल हमें परिमाण की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि है। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क आर एनर्जी इज, कार्य ऊर्जा की एसआई मात्रक है। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है जूल, बी दिया वाट, सी न्यूटन एंड डी है किलोग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, जूल। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का यानी कि दबाव का एसआई इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है जूल एंड चौथा किलोग्राम। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि तुमसे माप की मौलिक इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ मिस्टेक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, कोई वेग की एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है रेडियन, दूसरा हर्ट्स, तीसरा है जूल एंड चौथा है वाट। जो कोई वेग का एसआई मात्रक होता है रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की एसआई मात्रक क्या है या फिर एसआई इकाई क्या है? आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है, पहला ऑप्शन दिया है हर्ट्स, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है पास्कल और चौथा है किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्स होता है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/T, इसका जो मात्रक होता है हर्ट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।